मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। अब आप देख सकते हैं कि मानसून काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, आधे हिंदुस्तान में सूखे जैसे हालात बनते जा रहे हैं, लेकिन अभी पूर्वी भारत में मानसून सक्रिय बना हुआ है और आगे भी इसी तरह की वेदर एक्टिविटी रह सकती है। ये आप देख सकते हैं कि जो कल मैंने पिक्चर बनाया था, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास था, लेकिन अब ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है आगे बढ़ गया है और ये उप हिमालय पश्चिम बंगाल के ऊपर आ गया है। लेकिन एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ अभी भी आप देख सकते हैं कि हिमालय की तराई के आसपास ही बनी हुई है। तो इसके प्रभाव से हमने देखा कि उत्तराखंड में भारी बारिश हुई है, हिमाचल प्रदेश में हालांकि बारिश की गतिविधियों में कमी आई है, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में मॉडरेट स्पेल हुए हैं और बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। 136 जगह पर अभी तक लैंडस्लाइड हो चुका है इस महीने में और कई घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, कई जो बिल्डिंग हैं कोलैप्स हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बार पहाड़ी क्षेत्रों में खास करके। और अगर देखा जाए तो ये एक तरफ आप देख सकते हैं कि साउथ इंडिया कर्नाटका से कोमरिन एरिया तक बनी हुई है, एक तरफ है जो पाकिस्तान के ऊपर दिखाई दे रही है। तो पाकिस्तान के ऊपर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, सिंध बलूचिस्तान और जो बाकी इलाके हैं पाकिस्तान के लगभग शुष्क रहेंगे। पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, उत्तरी पंजाब प्रांत में भी हल्की बारिश हो सकती है। और अगर हम बात करें भारत की तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश ही रहेगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक दो स्थानों पर लाइट रेन के साथ मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। उत्तराखंड में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, खास करके पूर्वी जो जिले हैं उत्तराखंड के, वहां पर नैनीताल, पिथौरागढ़ वगैरह में तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और जो पिक्चर है ये सुबह का पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये पूर्वी भारत में ही बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बादल बने हुए हैं और ये उत्तर प्रदेश के ऊपर भी कुछ बादल दिखाई जा सकते हैं। और जो उत्तरी यानी कि मध्य प्रदेश है और जो राजस्थान के कुछ इलाके हैं, बादल तो बने हुए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा घने बादल ये नहीं है। और अगर रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल 24 तारीख तक अगर देखा जाए तो 7% की कमी के साथ बना हुआ है। हालांकि जो थोड़ी सी रिकवरी हुई थी 23 तारीख को, बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हुई थी, लेकिन वो जो 7% की कमी को वो पूरी नहीं कर पाई और आगे जो बारिश की गतिविधियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती हैं। तो हो सकता है कि अगले 3-4 दिनों के अंदर अंदर जो डेफिशिट है पूरे भारत का 7% से 9% के बीच में पहुंच जाए। और अगर हम बात करें अलग अलग जगह पर किस तरह की वेदर एक्टिविटी हो सकती है, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि पंजाब में अभी जैसे हमने बताया था कि बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, तो हो सकता है कि पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर, जलंधर, फतेहगढ़, चंडीगढ़, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। मतलब हो सकता है कि इन इलाकों में लाइट टू मॉडरेट शावर्स हो जाए, लेकिन ये जो इलाका है ये पूरी तरह से अभी ड्राई ही बना रहेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि फिरोजपुर, भटिंडा, अबोर, फजलिका, मनसा, संगरूर, बरनाला, मोगा, ये इलाके अभी बारिश नहीं देख पाएंगे, यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में चंडीगढ़, पंचकूला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, इन इलाकों तक तो बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं, लेकिन सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, रोहतक, भिवानी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, गुरुग्राम, ये जो इलाके हैं सूखे रहेंगे, शुष्क रहेंगे। नूह, पलवल, होडल, ये इलाके भी सूखे ही बने रहेंगे। और उसी तरह से अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अब पश्चिमी हवाएं चलने लग जाएंगी, उमस में थोड़ी सी कमी होगी, हालांकि गर्मी बरकरार रहेगी लेकिन उमस से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। बारिश की संभावना दिल्ली में अभी फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही है, बादल छाए रह सकते हैं लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा जैसे मैंने बताया था कि जो तराई के इलाके हैं बहुत अच्छी बारिश हुई है, उसी तरह से जो गोरखपुर है, बस्ती है, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां हुई हैं। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे सिमट जाएंगे। अब कह सकते हैं कि आप जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिले हैं यहाँ पर लखीमपुर खीरी, बहराइच और हो सकता है कि सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। लेकिन अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, कन्नौज, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, कानपुर, इन इलाकों में संभावना काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो हल्की फुल्की बौछारें हो सकती है कि मुरादाबाद, बरेली, रामपुर वगैरह में, बिजनौर और सहारनपुर साइड में हो जाए, लेकिन कुल मिलाकर के जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अगर हम देखें
तो ये उत्तर पूर्वी और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है इन इलाकों में ही यहाँ पर दिखाएगी। यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, आपकी देखो यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और यहाँ पर सूखा मौसम ही रहेगा। ये जो इलाके हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूखा रहेगा, हल्की से मध्यम बारिश इन इलाकों में रहेगी। अब बिहार में बारिश की गतिविधियां अगले दो दिनों तक तेज हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग वेदर रहेगा, जो ये इलाके हैं अगर हम देखें तो चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा और दरभंगा, सहरसा, कटिहार और बेगूसराय, इन इलाकों में तेज बारिश हो सकती है वैशाली वगैरह में। लेकिन जैसे कि आप देखेंगे रोहतास है, बक्सर है, जहानाबाद है, गया है और जो जम्मू, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ कम रहेंगी और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ अगले दो दिनों के दौरान हमें उम्मीद है कि ये जो इलाका है केवल जो तराई वाला इलाका है यहाँ पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इस इलाके में यहाँ पर मॉडरेट रेन होगी और यहाँ पर लाइट रेन होगी, इस तरह से यानी कि उत्तर से नीचे की तरफ जब दक्षिण की तरफ आएंगे तो बारिश की गतिविधियों में कमी होती हो जाएगी। और उसी तरह से झारखंड में बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं, लेकिन अब जो बारिश है वो थोड़ी सी कम होगी और जो लाइट रेन मॉडरेट शावर्स कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों तक होंगे, उसके बाद यहाँ पर भी बारिश में भारी कमी देखने को आपको मिल जाएगी। यानी कि मानसून कुल मिलाकर के अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है और उत्तर पूर्वी भारत की तरफ ज्यादा हो जाएगा और पूर्वी भारत के उत्तरी जो भागों में मानसून एक्टिव रहेगा, बाकी इलाकों में काफी ज्यादा कमजोर रहेगा। अब यहाँ पर सिक्किम में भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है, कई इलाकों में तेज बारिश होगी। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कोचबिहार, उत्तरी दिनाजपुर, ये जो इलाके हैं ये तेज बारिश देखेंगे। मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, नादिया, बर्धमान, बांकुड़ा, ये जो इलाके हैं यानी कि दक्षिणी जो इलाके हैं, जिले हैं पश्चिम बंगाल के, वहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में अभी क्योंकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल में और उसके आसपास के जो असम है वहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है उसका प्रभाव दिखाई देगा, तो असम और मेघालय के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में मॉडरेट टू हैवी शावर्स हो सकते हैं। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये है मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा, ये जो इलाके हैं इसमें बारिश कम रहेगी। मेघालय ये बीच में है, ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, तो इस तरह की बारिश की गतिविधि यहाँ पर दिखाई देगी। अब अगर राजस्थान की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में अब बारिश की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है, अगले कम से कम 8-10 दिन 3 या 4 सितंबर तक बारिश राजस्थान के किसी भी जिले में आपको दिखाई नहीं देगी। बारिश नहीं होगी, मौसम गर्म रहेगा और जो हवाएं हैं वो पश्चिम दिशा से चलेंगी, जो जमीन की नमी है उसको भी सुखा देंगी, तो किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। जो किसान भाई अपनी फसल को जीवन दान देना चाहते हैं वो अगर नहरों की सिंचाई है या कोई भी ट्यूबवेल है या पंप है उससे जितना भी आप कर सकते हैं वो कर पाएं, लेकिन मौसम के भरोसे आप अगले कम से कम 8-9 दिन तक मत रहिए क्योंकि बारिश की संभावना नहीं है, अगर कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है। और उसी तरह से अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी अब नहीं होने वाली है, केवल दक्षिणी भागों में ये जो इलाका है आप देखेंगे कि ये जो दक्षिणी जिले हैं यहाँ पर ही लाइट रेन होगी और यहाँ पर मौसम सूखा ही बना रहेगा। ये जो पूरा इलाका है सूखा बना रहेगा, ये पूरा इलाका रन ऑफ कच्छ हो गया, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, जामनगर, पाटन, बनसकांठा, पालमपुर, सबरकांठा, मेहसाना, अरवली, महिसागर, गांधीनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, इखेड़ा, ये सारे इलाके लगभग सूखे रहेंगे, यहाँ बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही हमें। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। ग्वालियर, दतिया, मुरैना, नीमच, उज्जैन, खांडवा, खरगोन, रतलाम, अशोकनगर, टीकमगढ़, शिवपुरी और ये रीवा, सिद्धि, पन्ना, सिंगरौली, शहदोल, कटनी, दमोह, सागर, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। हो सकता है कि बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा और बुरहानपुर, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ हो जाएं। तो कुल मिलाकर के बारिश की गतिविधियों में बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पर दिखाई देने वाली है और छत्तीसगढ़ में अभी बारिश की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में हल्की फुल्की रहेंगी, बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मॉडरेट शावर्स हो सकता है और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के भी कुछ इलाकों में अभी उत्तरी भागों में सुंदरगढ़ है, झारसुगुड़ा, देवगढ़, केवनगढ़, मयूरभंज, बालासोर, संबलपुर, इन इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी, बाकी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। बहुत ज़्यादा आप मानसून से अब यहाँ पर उम्मीद मत कीजिए। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जो विदर्भ का इलाका है वहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है। पालगढ़, मुंबई, थाने, दहानू, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग,
ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतियां मॉडरेट भी हो सकती हैं। मुंबई में एक दो अच्छा सावर हो सकता है, लेकिन हल्की बारिश अगले 3-4 दिनों तक रह सकती है, बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी। महाबलेश्वर में भी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है, बाकी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। और छिटपुट बारिश की गतिविधियां जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में दिखाई दे सकती हैं, मराठवाड़ा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां ना के बराबर रहेंगी। और अगर उसी तरह से हम और बात करें, अब अगर हम चलते हैं फिर से दक्षिण भारत की तरफ, तो दक्षिण भारत में अभी ये जो ट्रफ है उसके प्रभाव से तेलंगाना के कुछ इलाकों में और जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है यहाँ पर तो बारिश की गतिविधियां हल्के से मध्यम दिखाई दे सकती हैं। कोस्टल कर्नाटक में भी हल्की बारिश हो सकती है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश लगभग सूखे रहेंगे, इंटीरियर कर्नाटक भी सूखा रहेगा। तमिलनाडु में आपने देखा होगा चेन्नई और पुडुचेरी में बारिश हुई है, आज भी यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नजर आ रही है, यानी कि अल नीनो का असर अब पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। इंडियन ओशन डायपोल हो सकता है, अभी तक तो पॉजिटिव हुआ नहीं है, मॉडल दिखा रहे थे लेकिन गलत हुए मॉडल। अगर सितंबर में इस तरह की बारिश होती है या एओडी पॉजिटिव होता है तो कुछ वेदर एक्टिविटी बढ़ सकती है, कितनी बढ़ेगी उसका अंदाजा अभी से लगाना मुश्किल है। अभी जितने भी मॉडल दिखा रहे हैं वो सितंबर को भी अगस्त की तर्ज पर ही ले जा रहे हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।